हाँ झूठा कर लो कोई नहीं। अरे नहीं कैसी बात कर। हाँ ये एप्पल का है ना, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, इसे देखते हैं ठीक है। बाकी एप्पल वाला चेक करते हैं। दादा आलम के ज़माने की तो वो बनी हुई है। तो ये देखो पहले इसको खोलो। पहले हमारा प्लान ये था कि आज हम लोग रात में ट्रैवल करेंगे, बट रात में भाई का भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। कैसा है? बढ़िया भाई, बढ़िया है ना। जो ग्रेवी मिले ना बहुत टेस्टी मिली। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव। नए दिन और नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं हम लोग मदुरई में, और मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल जैन, उसी के पास में रात हम लोग आ गए थे। और भाई कल का जो सफ़र था बहुत भयंकर रहा, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हम लोग। ऑलमोस्ट कल भाई ने 162 किलोमीटर के आसपास में चलाई थी साइकिल है ना, तो भाई फर्स्ट रिकॉर्ड है 162 किलोमीटर चलाई है। और दैन उसके बाद में 138 चलाया था, इसके बाद ये दूसरा फर्स्ट रिकॉर्ड है। अच्छा फर्स्ट रिकॉर्ड ये 162 किलोमीटर चलाइए एक दिन में साइकिल। तो भाई साइकिल 162 किलोमीटर एक दिन में चलाइए। और अभी फ़िलहाल हम लोग रात आ गए थे यहाँ पर है, देखते हैं यहाँ पे गुजराती धर्मशाला है, तो यहाँ पे आके हमने स्टे किया था। दैन इसके बाद में अब बाहर की साइड निकल के जा रहे हैं घूमने के लिए। और कल हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है जगह ढूंढने के लिए। फिर यहाँ के कुछ भाई लोग थे जो राजस्थान से थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग यहाँ पे जाओ। दैन उसके बाद हम यहाँ पे आए। भाई यहाँ पे ना लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, हर कोई यहाँ पे तमिल बोलता है, तो भाई ढंग से अच्छी तरह से कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा हमारे साथ में कि कुछ भी हमें समझाएं या फिर कुछ भी ऐसे करें, अकड़ अकड़ के बात करते हैं। और फिलहाल कुछ इस तरह से है मदुरई, ठीक है ना। जस्ट उसके पास में इधर आके पड़ेगी आपको एक चर्च है यहाँ पे, दैन चर्च के पीछे ही पड़ेगी आपको धर्मशाला। दैन इसके बाद में अभी इस साइड में कहीं चलते हैं। अभी फ़िलहाल 12 बज रहे हैं, तो अभी सो के उठे हैं, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी बहुत भयंकर वाली, तो थक भी गए थे। अभी चलते हैं फ़िलहाल कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वास्ता करते हैं। इस साइड में मार्केट होगा, किस साइड है? कल हम इस साइड से आए थे ना, तो उस साइड से मिली थी ना वो, तो कल हमें जो इडली सांभर जो खाया था वो इस साइड में था ना, तो इस साइड चले। तो भाई अभी जो मंदिर है ना, मंदिर हम थोड़ी बहुत देर में जाएंगे। फ़िलहाल अभी जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। दैन उसके बाद में सोच रहे हैं थोड़ी बहुत देर में आए के लिए निकलेंगे। कॉम्बितूर करके कुछ जगह है, वहाँ पे आदि योगी जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है भोले जी की, तो वो जाके एक्सप्लोर करेंगे, वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लोकल में घूमते हैं, यहाँ कुछ खा पी लें। दैन उसके बाद में थोड़ी बहुत बॉडी के अंदर जान सी आई। कल से भाई पूरा शरीर अभी लगा लो ऑलमोस्ट टूट सा गया है। अभी फ़िलहाल कुछ देखो, यहाँ पे 20 रुपये में एप्पल ग्रेप्स का जूस या पानी कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये क्या चीज़ है? जूस है क्या ये? हाँ नेचुरल जूस है, जूस पियोगे? नेचुरल जूस नहीं, वो भी एप्पल भी है। दिस वन ग्लास 20। फिलहाल यहाँ पे भाई जूस है 20 रुपये मिला है ग्रेप्स का, और ये एप्पल का, तो ये ले रहे हैं भैया से। कुछ इस तरह से है, लग तो बढ़िया रहा है भाई। अभी देखते हैं। नो फ्लेवर एडेड, ओरिजिनल, ओके। लो भाई नेचुरल बता रहे हैं। ये वाला कौन सा है? पुदीना का वो है। हाँ हाँ झूठा कर लो कोई नहीं। अरे नहीं कैसी बात कर रहे हैं। थैंक यू, ठीक है। देखो कैसा है। चेयर्स। कैसा है? सही है। तो भाई देखते हैं चेक करके। बहुत अच्छा यार। बढ़िया है। और ले लूँगा मैं। अरे यार साइकिल बहुत हुए भाई, बहुत बढ़िया है। टेस्टी टेस्टी। वन मोर ग्लास, दिस वन। हाँ एट। अभी फ़िलहाल मैंने जो है एप्पल वाला ले लिया है, और भाई ने अब क्यों है ग्रेप्स वाला ले लिया। ग्रेप्स कैसा है? बढ़िया है, थोड़ा खट्टा। हाँ ये एप्पल का है ना, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, इसे देखते हैं ठीक है। बाकी एप्पल वाला चेक करते हैं। सही है, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। बाकी मेरे को ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, मतलब टेस्ट के हिसाब से। जस्ट बिल्कुल मेरे जो सामने है ना, ये है मीनाक्षी टेम्पल, और इसके 4 गेट हैं, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में है। और अभी मैं साउथ वाले तरफ आया हूँ। ये देखो भाई टेम्पल, कितना बड़ा टेम्पल है भाई। बहुत अल्टीमेट है यार। और देखो इस पर कितनी सारी मूर्ति वगैरह ये सब चीज़ें बनी हुई है। देखो कितनी मूर्ति बनी हुई है इसको, भाई साहब अल्टीमेट है यार। कैसे कैसे बनाया होगा ये देखो, कितनी मूर्तियाँ हैं इसमें। ये देखो साउथ टावर, ये देखो भाई देख रहे हो कितनी सारी इसको बनाई हुई है मूर्तियाँ हैं। साउथ में सारे ऐसे चलते हैं, सारे देवी देवताओं को दर्शाते हैं। पूरे जितने भी देवी देवता होते हैं ना, सब की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं एक ही मंदिर पे। देखो ओ भाई गणेश जी को बहुत मानते हैं लोग। अन्ना से पूछो ना, अन्ना से, अन्ना इडली सांभर डोसा ओके ओके। तो भाई फिलहाल अपना जो है खाना आ गया है। एक थाली है, एक थाली है 100 रुपये की पड़ी है हमें। तो इसमें चावल है, सांभर है, एक पापड़ है, दैन ये कुछ सूखी सी सब्जी है, इसमें गाजर वगैरह ये सब की चीज़ है, और ये पता नहीं क्या है, और इसमें कुछ छाए टाइप का सा कुछ सिस्टम है इसमें। तो चेक करते हैं भाई क्या है। तो जो भाई फिलहाल अभी खाना खा रहे हैं ना, ये मतलब रोटी तो यहाँ मिल ही नहीं रही है। बाकी ये कि नॉर्मल खाना है, कुछ इतना ज़्यादा खास भी नहीं है। बाकी यहाँ के लोगों के हिसाब से बढ़िया होगा, बट जैसे हम लोग नॉर्थ से हैं तो हमारे हिसाब से थोड़ा फीका टाइप का साया खाना। कैसा लग रहा है खाना? काम चलाऊ तो भैया वही है, काम चला रहे हैं और रोटी की जगह पापड़ खा रहे हैं। तो भाई हमारी जो बाइक है ना वो इस साइड में खड़ी है, बाइक एरी, और अपनी साइकिल उस साइड में है। कुछ इस तरह से पार्क कर रखी है हम लोगों ने मस्त, और इस साइड से ऊपर जाने का रास्ता। और बाकी फ़िलहाल अपना खाना पीना खा के हम आ गए हैं। हेलो सर। यहाँ पे भाई थोड़ा जो है मामला चकाचक हो गया, एकदम खा पी गए, फुल एकदम सेट हो गए, मस्त करके खाया। कैसा लगा खाना? पत्थर भी निकल लेते चावल दादा आलम के ज़माने की, तो वो बनी हुई है इसमें। ये देखो पहले इसको खोलो, फिर बंद करो, फिर इसको ऐसे करो। जैसा उसमें थी ना मूवी में शॉर्ट आउट ऑफ वडाला, शूट आउट एट वडाला, उसमें ऐसी होती थी मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में तो अभी भी चलती है वो शटर वाली साइड। हाँ हाँ वही वही, उसमें शटर है लेकिन इसमें शटर नहीं, इसमें वैसा गेट है। ये माँ कसम इसमें आने के बाद जब ये पंखा चलता है ना, आए हाय कल हम लोग इतने परेशान हो रहे थे, जैसे लिफ्ट में आए ना पंखा चला, पूरी थकान उतर गई हमारी। बाकी अभी चल के अपना मस्त सोते हैं, और कुछ आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे जहाँ हम रुके हुए हैं कैसा है। अभी यहाँ पे थोड़ा ना काम चल रहा है, तो पूरे में थोड़ा सामान ऐसे फैला पड़ा है इस साइड में। बट ये कि इस साइड में रूम देखोगे तो रूम बिल्कुल साफ़ है। ये देखो ये रूम है, यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके रूम है, जो कि बहुत क्लीन है पूरा, यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था है। चाबी ये लो। और देखो जो लोग डोनेशन देते हैं ना, उनके पैसे यहाँ लिख दिए जाते हैं, उनका नाम भी लिखा जाता है, देन उसके बाद में नाम लिखा है। हाँ अलग अलग नाम लिख सकते हैं, उस पर अलग है, उस पर अलग है। हाँ मतलब जिन लोगों ने पैसे दिए हैं ना, पैसे डोनेशन किए हैं, उनके थ्रू ये रूम बने गए हैं, उसके द्वारा हम लोग यहाँ पर आ करके रुके हैं। और बाकी मस्त बंद करते हैं। ओ तेरी अभी टाइम कितना हो रहा है देखना, ये अभी टाइम चेक करो 2:32 हो रही है। और फिलहाल अभी थोड़ी देर और आराम करते हैं, उसके बाद में शाम को निकलेंगे 4-5 बजे के बाद में यहाँ घूमने के लिए। और अभी फिलहाल थोड़ा आराम कर लेते हैं मस्त। A few moments later. सो भाई फिलहाल अभी हमारा जो है प्लान चेंज हो गया। अभी सुबह से जब हम आए थे खाना खा के हम सो गए थे, बहुत भयंकर नींद आ रही थी। और अब जब हम उठे हैं तो अभी ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। पहले हमारा प्लान ये था कि आज हम लोग रात में ट्रैवल करेंगे, बट रात में ट्रैवल आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए आज हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे। दैन इसके बाद कल हम मॉर्निंग में निकलेंगे जितनी भी जल्दी हो सकती है, 7-8-9 बजे के आसपास में। थोड़ा मौसम भी सही रहेगा। बाकी यहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। पहले जब हम दोपहर को गए थे खाना खाने के लिए, तो जब वहाँ इतनी गर्मी थी हमने सोचा कि रात को चलेंगे, बट अभी रात में ये सीन बनना है। मम्मी भी मना कर रही है कि बोला रात में जाना सही नहीं है, रात में वैसे भी दिक्कत है। फिर मैंने भी सोचा कि अगर बाई चांस मान लो कोई दिक्कत हो जाती है, कहीं कुछ भी है रात में, तो फिर रात में कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं मिलेगा। दिन में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कुछ भी है दिन में इंसान तो चलते हुए दिखते रहते हैं अपने को। तो अभी फिलहाल चेंज हो चुका है माइंड। अभी थोड़ा बाहर निकलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं, इडली सांभर डोसा जो भी अपने को मिलेगा उस साइड में चलते हैं। और फिलहाल कुछ खा के अपना पेट पूजा करते हैं, देन उसके बाद आगे की बातें करते हैं। सो भाई फिलहाल अभी हम खाना खाने के लिए आए थे तो यहाँ पे हमने लिए हैं इडली, दो इडली मिली है हमें, 12 रुपये की एक इडली है। उसके साथ में कुछ चटनी मिली है, एक चटनी ये, दो चटनी, तीन चटनी और इसके साथ ही लाइक सांभर टाइप में, और चौथी चटनी ये रही। तो भाई के साथ में भी यही मिला है, सब कुछ सेम सेम। और अभी हमने 4 पराठे और मंगाए। तो भाई फिलहाल हमने अभी जो है अपने लिए पराठे और मंगा लिए हैं। यहाँ पे हैं पराठे, उसके साथ में कुछ दो तरह की ग्रेवी मिली है, ये वाली और ये वाली, जो कि अच्छी है। और ये इडली के साथ मिला था, ये खत्म हो चुका। भाई का भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। कैसा है? बढ़िया भाई, बढ़िया है ना। जो ग्रेवी मिली है ना बहुत टेस्टी मिली है, ये वाली ग्रेवी टेस्टी है भाई।